अब तक हम अपने घरों में या ऑफिसेस में इंटरनेट कनेक्शन के लिए ब्रॉडबैंड या फिर वायरलेस राउटर्स का यूज करते आए हैं, जिसमें कई बार हमें लो स्पीड जैसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिससे कभी कभी हमारा इम्पोर्टेंट काम भी इफेक्ट होता है। पर अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं जिनके यूज से हमें ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी और हम और भी एफिशिएंटली काम कर सकेंगे। और आज हम ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिसे हम फाइबर ऑप्टिक्स या फिर ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शुभम गुप्ता एंड यू गाइस आर वाचिंग द ट्रेंडिंग टेक। जब भी हाई स्पीड और सिक्योर इंटरनेट की बात होती है तो आपने फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर का नाम ज़रूर सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर ऐसे थिन वायर्स होते हैं जो कि ह्यूमन हेयर्स के डायमीटर के या फिर उनसे भी पतले होते हैं। ये वायर्स प्योर ग्लास से या फिर प्लास्टिक्स के बने होते हैं, जिन्हें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए और उन्हें हाई स्पीड में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो लाइट रेस के फॉर्म में होते हैं। और तो और, इन्हें मेडिकल इमेजिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्पेक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आप एक ऑप्टिकल फाइबर को देखें तो इनमें आपको ये पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला है कोर, जो कि ग्लास का बना होता है और ये ऑप्टिकल फाइबर का सेंटर पार्ट होता है जिनमें लाइट ट्रेवल करती है। दूसरा पार्ट है क्लैडिंग, जो कि कोर को सराउंड करता है और लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करके कोर में भेजता है। इसके बाद आता है बफर कोटिंग, जो कि प्लास्टिक का होता है और जो इन ऑप्टिकल फाइबर्स को मॉइस्चर और डैमेज होने से बचाता है। ऐसे ही हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर्स को ऑप्टिकल केबल के अंदर बंडल्स में अरेंज किया जाता है और ये बंडल्स सबसे आउटर लेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं, जिसे जैकेट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का कोर छोटा होता है, लगभग 9 माइक्रोन्स के डायमीटर का, जो कि 1300 से लेकर 1550 नैनोमीटर्स के वेवलेंथ वाले इंफ्रारेड लेज़र लाइट ट्रांसमिट्स करते हैं। और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर 62.5 माइक्रोन्स के डायमीटर के होते हैं, जो 850 से लेकर 1300 नैनोमीटर्स के वेवलेंथ वाले लाइट ट्रांसमिट करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक हाउ डज इट वर्क्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में लाइट कोर के थ्रू ट्रैवल करती है, जो कि लगातार क्लैडिंग से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होती है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। क्योंकि क्लैडिंग ग्लास का बना होता है तो ये लाइट सिग्नल्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिससे लाइट लंबी दूरी तक ट्रैवल करने में कैपेबल होती है। हालांकि कुछ लाइट सिग्नल्स ग्लास की इम्प्योरिटीज़ के कारण फाइबर के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं। सिग्नल की डिग्रेडेशन ग्लास की प्योरिटी और ट्रांसमिटेड लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अब समझते हैं फाइबर ऑप्टिक रिले सिस्टम के बारे में कि वो किस तरह वर्क करता है। फाइबर ऑप्टिक रिले सिस्टम में चार कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल रीजनरेटर एंड ऑप्टिकल रिसीवर। ट्रांसमीटर सिग्नल्स रिसीव करता है और ऑप्टिकल डिवाइस को डायरेक्ट करता है करेक्ट सीक्वेंस में लाइट्स को ऑन और ऑफ करने के लिए, जिससे लाइट सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ट्रांसमीटर फिजिकली ऑप्टिकल फाइबर के क्लोज होता है और इसमें एक लेंस भी लगा होता है जो कि लाइट को फाइबर में फोकस करता है। लेजर्स में LED के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर होती है और ये टेम्परेचर में चेंजेस के साथ वेरी करती है और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लाइट सिग्नल्स ट्रांसमिट करते वक्त उनमें कुछ डिग्रेडेशन होती है, खासकर लंबे डिस्टेंस में, इसलिए यहाँ पर ऑप्टिकल रीजनरेटर का यूज़ किया जाता है, जो कि डिग्रेडेड सिग्नल्स को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ऑप्टिकल रीजनरेटर में एक ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसमें एक स्पेशल कोटिंग होती है, जिसे डोपिंग कहा जाता है। इस डोप्ड पोर्शन में लेज़र होते हैं, तो जब भी डिग्रेडेड सिग्नल डोप्ड कोटिंग में आता है तो लेज़र की पावर उस सिग्नल को बूस्ट करती है। और आखिर में आता है ऑप्टिकल रिसीवर, जो कि इन लाइट सिग्नल्स को रिसीव करता है, उन्हें डिकोड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और फिर उन्हें यूज़र को सेंड करता है। यूज़र इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए फोटोसेल या फिर फोटोडायोड का यूज़ करते हैं। तो ये बात हो गई ऑप्टिकल फाइबर के वर्किंग की। अब नज़र डालते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। कॉपर वायर्स के मुकाबले इक्विवेलेंट लेंथ का ऑप्टिकल फाइबर बनाना काफ़ी चीप होता है, और क्योंकि ये काफ़ी थिन होते हैं और एक बंडल में कई सारे फाइबर्स का यूज़ होता है, तो इनकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह लाइट सिग्नल्स एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, जिससे हमें ज़्यादा क्लियर सिग्नल्स मिलती हैं।
और तो और इनकी बैंडविड्थ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें डेटा काफ़ी सिक्योर होता है, क्योंकि इसे हैक करना बहुत ही मुश्किल है और इसके लिए कॉस्टली सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। एडवांटेजेस के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनमें से पहला है कि इन्हें इंस्टॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के वक्त इनमें लाइट डिस्पर्शन की भी प्रॉब्लम होती है, जिससे कम करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और आखिरी डिसएडवांटेज है कि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कॉपर वायर्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।